हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ। टाइम हो गया है, 6 बजे आए हैं। मैं 6 बजे उठ के अपनी सारी पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा है फोटोशूट और मेरा वीडियो शूट भी है। तो आज मुझे 7:30 पे जाना है मेकअप वाले के यहाँ। सो गाइस, अभी मैं मन्नू की बॉटल धुल रही हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तैयार करके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं हैवी लहंगे में होंगी, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी। सो गाइज, अभी मैंने सारी पैकिंग इधर से उधर कर दी है, क्योंकि हम वहाँ होटल लेंगे, होटल में रुकेंगे, क्योंकि बार बार चेंज करने यहाँ आने में दिक्कत होगी, यहाँ से वहाँ दूर है। सो गाइज, आज का पूरा ब्लॉग रहेगा, मेरा मेकअप पूरा रहेगा, कि मैंने किस तरीके का मेकअप लिया और कैसे हेयर स्टाइल ली। सो मिलते हैं आपको आगे के ब्लॉग में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देखो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो गाइज, मैं चल रही हूँ। अपने मेकअप के लिए ये रहा मेरा ड्रेस। अच्छा, और मैं जा रही हूँ मेकअप के लिए। किसके साथ? ईशू के साथ जा रही हूँ। आज का हमारा हैवी ड्राइवर है ईशू। वरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। ये देखिए हमारी दीदी की सोसाइटी, हमारा ड्राइवर आ गया गाड़ी लेके। हमारा हैवी ड्राइवर है, हम पहली बार ईशू के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं। भाई पहले तो मेकअप कर। सो फ्रेंड्स, ये मेरा है लुक। अभी हम मेकअप करा रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं है, मेरा फर्स्ट फोटो शूट है। ये विदाउट सेटिंग स्प्रे के कितनी देर चल जाएंगे? 2 घंटे तो चल जाएंगे। हाँ, चल जाएंगे। सो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? और बहुत मनोज लग रहा। और ये है श्रुति दीदी। आगरा में अगर किसी को मेकअप कराना है, बहुत अच्छा मेकअप करती है। मेरा फोटो शूट देख लेना, वीडियो सारा मेकअप श्रुति दीदी ने। और क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति। ये प्रीति बहुत अच्छा मेकअप करती है। देखिए, आप देख सकते हो मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। आगरा में अगर कराना है दीदी, क्या एड्रेस है आपका? नियर राधा वल्लभ इंटर कॉलेज, अमर विहार। अमर विहार में अगर आपको इधर दयालवा के आसपास रहते हो, तो श्रुति दीदी क्या मेकअप जरूर कराना। गाइज, मिलते अपने शूट पे। सो गाइज, हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हम लोग जा रहे हैं। और देखिए, मेरे जो मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था उसका निकल गया है पीछे से, देखिए आप देख रहे हो। और इतना हैवी लहंगा है, सिर्फ ये शूट के लिए मैंने लहंगा लिया था, इसका बहुत घेर है। मेरा पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया, ये देखो। मुझे महसूस हो गया कि मेरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया, मैं अपना हेयर स्टाइल सही कर रही हूँ। ये मन्नू है, अब हम लोग बैठ गए हैं ताजमहल की तरफ जाने के लिए। कार होती है, बहुत अच्छी अच्छी कार होती है, ये बड़ी अच्छी लगती है। मन्नू देखो, बड़े मजे ले रही है। पापा? देखो मन्नू बोल रही है डन, जा रहे हैं मम्मा। यार मम्मी, आप लोग मिनी बस में गए थे, हमें तो नहीं ले गए। बेटा मिनी बस में नहीं गए थे, ये ताजमहल जाते हैं ना तब ये वाली। यार मैं चल नहीं पा रही थी, पता है ना, बहुत हील थी, ऊपर से लहंगा मैंने सिर्फ शूट की वजह से 6 मीटर के घेर वाला लहंगा लिया था मैंने, उसमें बहुत घेर था। तो अब हम यहाँ से, वो कार हमें वहीं छोड़ेगी, अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा पूरे ताजमहल तक। टिकट तो ऑनलाइन होती है, ताजमहल की ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। गाइस, हम जहाँ पे हमारा शूट होना है वहाँ पर हम जा रहे हैं। देखिए, जयमाला कहाँ हो रही है? मैंने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था शूज नहीं यार, मुझे कराना। गाइज, हमारा पहला शूट होगा ये बोट पे। तो ये बोट वाले भैया, उन्होंने आ गए हैं और हम जा रहे हैं बोट के पास। अब देखिए हमारा बोट पे किस तरीके से हम चढ़ेंगे और कैसे हमारा शूट होगा। मेरा लहंगा पूरा गंदा हो गया है और ऐसा लग रहा था मैं गिरने वाली हूँ। पवन को लेके एकदम हाइट में जाके एकदम नीचे गए तो ऐसा लगा फिसल जाएंगे, अभी सारा फोटो शूट हो जाएगा। देखिए देखिए,
अब इसमें हमें जाना है, बोट में चढ़ना है, फिर हमें इसमें अपना चढ़ गए हम। अब हमें अपना फोटो शूट कराना है। अब बोट इधर से उधर हिल रही है, इतना डर लग रहा है, भारी लहंगा है, किधर बैठना है। देखिए बोट वाले भैया, अगर इधर बैठो तो। गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा फोटो शूट हो रहा है, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरा ये वीडियो गाय माता बैठी हुई है। अब यहाँ ये शूट करने में बड़ा टाइम लगा, ये देखना पड़ता है ना कहाँ से ताजमहल आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा है। सो गाइस ये देखिए सारा शूट हो गया है और हम वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये आशी मैडम है, मनु खड़ी हुई है, गुस्सा हो रही है कि मेरा फोटो नहीं है। ईशु दीदी उसको खिला रही है, बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने मेरे फोटो शूट में, ये दोनों बच्चे नहीं होते ना तीनों, तो मेरा तो फोटो शूट ही नहीं हो पाता। मेरा फोटो शूट ये हो गया, वीडियो में आप जरूर देख लेना क्योंकि इतना ही हो पाया है, वीडियो में पूरा फोटो शूट आप देख सकते हैं। अब ये देखिए मुझे उतारेंगे, जनिन मेरा बेटा है ये, अब ये मेरे को पकड़ के हाथ उतारेंगे, मौसी मैं आ रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगा अभी गिरेंगे। ये देखो ये रहा मैं उतर गई। आग टेंट लेके आना चाहिए था, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या टेंट? टेंट क्यों? उसमें कर लेती ये बनाने में तीन लोकेशन टू। जब मैं कहूँ तो स्माइल जब मैं कहूँ एक्शन कर, तब मैं ठीक है कैमरे मत देखना, अपना नेचुरल जो करते हैं एक्शन। ठीक है वन टू थ्री गई, कैमरे मत देखना, एक बार फोटो एक समय अभी तो हम ताजमहल पर ही हैं, तो मैं आने में कितना टाइम लगेगा? तो अभी बस ये वाला हो जाए, उसके बाद निकलना तुम, ठीक है? तो ताजमहल ही आ जाओ फिर। हमने तो मम्मी आ रही है, पता नहीं मुझे, स्ट्रगल। भाई चल, सो फ्रेंड्स देखिए हमने कितने रीटेक लिए हैं, कितनी मुश्किल आती है, मुझे तो लगता था बहुत इजी काम है, बट इजी नहीं है यार, बहुत मेहनत का काम है। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, इस वाले को एटलीस्ट इसको तो वायरल कर दीजिए, बड़ा मज़ा आया, लेकिन बहुत मेहनत लगी, बहुत पैर थक गए थे मेरे, हंसते हंसते हमारे गालों में दर्द शुरू हो गया था, मैडम हंसो मैडम घूमो, बहुत सारे रीटेक लिए तब जाके ये हमारा 2-2.5 मिनट का वीडियो शूट हो पाया था। तो आगे भी दिखाती हैं आपको कितना क्या क्या किया हमने। ये ना कराएगी मत करो, तुम्हारी तो शादी में ऑलरेडी तुम लोगों से फोटो हो ही जाएंगे, तुम्हारी तो शादी में फोटो भी ढंग से नहीं है, तो हमें तो करवाना है। 10 साल में मेरी शादी हो, हम तो 10 साल में और अच्छा कुछ हो जाए, 50 साल ये जब इनका एक भी नहीं तुमने बैठ, तुझे क्या चाहिए वो ले लेना, जूते ले लेना, ले आई जूते, उसको पैसे दे देना। आलोगे तुम? सोच रहा हूँ घर ले जाऊँ, घर ले जाऊँ
अच्छा मम्मी घुसने देंगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो हम तो घुसने ना देते सही में। चलो ये भैया हमारे फोटोग्राफर है, दोनों भाई हमारे आगरा में। भाई मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा सब लोग। सो गाइस, अगर मेरा नया इंट्रो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको जरूर बताना मेरे बेटे ने कुछ नया बनाया है। ऐसा इंट्रो आपने किसी का नहीं देखा हो तो उसके लिए आप मेरी वीडियो पे जाइए, उसे देखिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। सो गाइस, आज का आपको मेरा ये बिहाइंड द सीन का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज गाइस। मैं बहुत मेहनत करके ये ब्लॉग बनाया है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, बट हाँ फोटोशूट कराने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए जो कि मेरे पास थोड़ा कम था, तो जगह जगह मेरे कुछ फोटोज भी खराब हुए हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरा न्यू इंट्रो बन गया है, उसके बारे में कमेंट जरूर करना, बताना मेरे बेटे ने न्यू इंट्रो कैसा बनाया। सो गाइस, बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।